Hey guys, good morning. Welcome back to my channel loco.rakesh vlogs. तो guys अभी है आज है सैटरडे. तो सैटरडे ना आज थोड़ा लेट से ही उठे हैं, 8 बजे उठे हैं. अभी टाइम हो रहा है 9:30. तो चाय बिस्किट पहले हो गया है और हस्बैंड और बाबू को लेके गया था आयरन कराने. तो वहीं से क्या लाए देखिए. ये है इडली, आधा खा चुके हैं. तो अभी ना उधर आदि को भी बॉल खरीद के लिए, तो आदि उधर खेल रहा है बॉल और बैट से. मम्मी सब्जी काट रही है और हस्बैंड निकलेंगे आज 11:30-12 बजे तक, तो खाना खा कर निकलेंगे. तो ये इडली अभी नाश्ता कर ले रहे हैं, तो अभी खाना बनाएंगे. तो आज का ब्लॉग ना अभी से ही शुरू कर रही हूँ 9:30 से ही. तो गाइज तो देखते रहिए क्या क्या हम करते रहते हैं घर का काम. तो चलिए, यहाँ ना आदि को हम खिलाने वाले थे तो वो सो जा रहा था बेड में. देखिए कैसे करके उसको नींद फिर से आ गया है. तो यहाँ पे देखिए हम रोटी इसके लिए मिसरा है और रोटी, दूध और चीनी, ये खाएगा नाश्ता पे. और हम लोग तो इडली खा चुके हैं. और यहाँ देखिए 3 ओवन का ना यही फ़ायदा है गाइस, तीनों एक साथ बन सकता है. तो जिसका घर में 4 ओवन है ना वो भी तो और मस्त है, चारों चीज़ एक साथ बन सकता है. यहाँ पे बन रहा है सब्जी, दाल और चावल. और सब्जी में क्या क्या बन रहा है यहाँ पे हस्बैंड को खाने दे दिए हैं हम ऑलरेडी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है. और हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी आज ना निकलेंगे ऑफिस के लिए, मगर लास्ट में ना निकले नहीं थे, इनको काम था. तो बोले कि हमको शाम में ही जाना है, तो काम कैंसिल हो गया इसीलिए शाम में जाएंगे. तो यहाँ देखो अब हम बता रहे हैं आपको सब्जी के बारे में. सब्जी हम ना जब खाएंगे तभी आपको बताते हैं. यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं काम, बहुत सारा आज कपड़ा धोना था गाइस. बहुत दिन से मतलब ना धूप तो कर नहीं रहा था ना, इसीलिए बारिश कभी धूप, तो इसीलिए कपड़ा के लिए. देखो यहाँ पे हमने कपड़ा धो के रखे हैं और भी चद्दर वगैरह बिस्तर का सब डुबा के रख रहे हैं. और डेली ना मेरा धोना पड़ता ही है क्योंकि ना बच्चा छोटा है ना घर पे, इसीलिए. और तो यहाँ पे सब डुबा के रख दे रही हूँ, जितना हो सकेगा उतना धोएंगे, नहीं तो फिर कल. और यहाँ पे देखिए मच्छरदानी भी धोए है, बहुत गंदा हो चुका था क्योंकि हम लोग डेली ना टांगते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है ना गाइस. कभी मच्छर तो चलो ठीक है, मगर दूसरा कीड़ा, छिपकली, ये सब ना कान वगैरह में घुस जाए ना, ये सब मेरे को बहुत डर लगता है. और बड़ा बड़ा ना तितली भी आने लगा. तो देखो यहाँ पर हम सब कुछ धो ले रहे हैं और दो एक एक चादर और टावल रख देंगे क्योंकि और नहीं होगा. तो गाइस और जगह भी तो नहीं है, छत में रस्सी भी नहीं है कि हम टांग दें. तो देखो गाइस अब हम जब कपड़ा धो रहे थे मेरा मुँह ना अजीब टाइप का दिख रहा था, तो इसीलिए अभी हम कपड़ा धो लेते हैं. और यहाँ देखो हम ना कपड़ा धोने के बाद नहा करके पूजा पाठ करके और यहाँ पे बैठ के खाने. तो खाने पे हम देखिए यहाँ पे है दाल, मसूर की दाल, और यहाँ पे ना एक मिक्स टाइप का सब्जी, और यहाँ पे है झींगा आलू का सब्जी है, और यहाँ पे है अचार, मिर्चा का अचार. तो मिर्चा का अचार ना गाइस बहुत यम्मी है, मम्मी बनाई है तो यहाँ है. और पानी ठंडा ठंडा. तो चलिए आज का वेज खाना खा लेते हैं. बहुत देर के बाद मिल रहे हैं आपसे, और आज तो मिलने का ज़रा से भी समय नहीं था, बात करने का समय नहीं था, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा बिजी थे गाइस. सुबह मतलब उठे लेट से उठते हैं ना, उठ गए हैं आज मतलब 7:45 ऐसे टाइप्स का उठे हैं. मतलब डेली जैसे 6:30 बजे उठते हैं, से 6:30-6:30 बजे, तो आज लेट हो गया क्योंकि कल ना रात में लाइन नहीं था, तो 1 बजे शायद लाइन आया इसीलिए. तो उठे, उसके बाद आदि भी उठ गया था 8:30-9 बजे तक, फिर उसको नाश्ता करा, तो देखे ही है. उसके बाद मम्मी झाड़ू पोछा कर दी थी, बस सुबह का मम्मी कर देती है, बस यही एक तो मतलब अच्छा लगता है और मेरे को करना नहीं पड़ता है. उसके बाद खाना बनाए, खाना में तो अब देखे क्या बनाए हैं. और फिर आयरन वाला आया सुबह, जो बोले थे कपड़ा दिए थे, तो वही आयरन वाला को फिर पैसा दिए, फिर मतलब कपड़ा उपड़ा सब दिया. इतना खा लिया है ना, पानी पी लिए बहुत, तो इसीलिए बात नहीं कर पा रहे. और अभी कितना बज रहा है, अभी 1:45 हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे. कपड़ा बहुत सारा मच्छरदानी था और भी आधा तो डुबा के रखे है, मतलब बेडशीट ना, बेडशीट धोने में ना हो जाता है, मतलब क्या बोले,
तो अभी देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर शाम में एडिट करना है, बेड्स वे सो एडिट करेंगे। फिर 5 बजे तक आप लोग के पास आएगा वीडियो। तो हाँ, हम तो आप लोग का रिक्वेस्ट वाला चैलेंज कर रहे हैं, और कैसा बन रहा है चैलेंज, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो आप लोग, तो फॉर दैट थैंक यू सो मच। और बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ, तो वो भी बता देंगे कब लाइव आऊँगी। तो गाइज ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में, और 5 बजे के आसपास ही मिलते हैं। हस्बैंड ना मतलब दोपहर का समय ही काम में निकल गए थे, दोपहर बोले या शाम बोले क्या बोले, 3 3 बजे निकल गए थे, और अभी बज रहा है 5:30, और हस्बैंड अभी आ गए हैं और आकर के चाय पी रहे हैं। और लेके आए थे हम लोग के लिए समोसा और आलू चप, हम तो खा गए हैं। और चलिए मम्मी खा रही है, चल हम दिखाते हैं। ये देखिए मम्मी भी समोसा खा ली है और यहाँ पर आलू चप खा रही है। तो वही मम्मी निकलेगी थोड़ा सा मार्केट, उसके बाद मम्मी दूसरा जगह निकलेगी, मतलब उनका कुछ सैली का घर निकलेगी, वहाँ कुछ पाठ वगैरह होगा भगवान का, तो वहीं पे निकलेगी। और देखिए अभी तक ना बाल झाड़े ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं किए हैं गाइस। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करते हैं। आदि को खिलाएंगे, आदि को आदि के लिए नाश्ता वास्ता बनाएंगे, और देखते हैं और क्या क्या होता है। तो हम अभी बैठे हैं इसके सामने, आदि के सामने बदमाशी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और चाय पहले पी लेते हैं उसके बाद सब काम करते हैं, एनर्जी आ जाएगा ना गाइस, तो इसीलिए। यहाँ पे बन चुका है आदि का सूजी, ठंडा हो रहा है, तो उसके बाद आदि खाएगा और उसके बाद आदि खेलेगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है गाइस, अब बता नहीं सकते कितना गर्मी किया, चिपचिपाहट वाला गर्मी। कल संडे है, कल तो बारिश आने का ही है, तो आप देख सकते हो वेदर कैसा है। ऐसा है फिर हवा चल रहा है मगर फिर भी चिपचिपाहट वाला गर्मी है, लग रहा है कि अभी ही बारिश आ जाएगा, मगर मेरे को तो लग रहा है आज नहीं आएगा। हस्बैंड बोल रहे आज आएगा, मगर हम बोल रहे कि कल आएगा, कल संडे का, क्योंकि 90% हम गूगल में सर्च किए हैं कि संडे को 90% बारिश है। तो गाइस बारिश का बात छोड़िए, अभी शाम का समय है, मम्मी करेगी पूजा। देखिए मम्मी बाज़ार से आ गई है, तो सब्जी वगैरह लेके आई है, और अभी ये दूसरा कपड़ा पहन ली है और अभी कर रही है पूजा। तो देख सकते हो 6:30 ऑलरेडी बज चुका है, और यहाँ पे देखिए वहाँ पे वो गिरा था घर से, मतलब वो ईटा ईटा नहीं क्या बोलेंगे उसको, घर मतलब गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए हम लोग को ना कोई भी पोजीशन में ना घर छोड़ना है। तो देखिए मम्मी कर रही है पूजा, और चलिए दिखाते हैं क्या क्या सब्जी लाई। यहाँ पे लाई है 6 अंडा, और यहाँ पे है बरबट्टी, और यहाँ तो सब्जी कटा हुआ था, पपीता कटा हुआ था, और खीरा लाई है, और बस गाजर आदि के लिए 2, और टमाटर यही सब लाई है। बहुत महंगा है गाइस सब्जी। और यहाँ पे है मिर्चा, मिर्चा में बहुत झाल है, बाद में हम लोग खाए तो पता चला बहुत ज़्यादा झाल है। वैसे गर्मी में ना मिर्चा में झाल नहीं रहता है, फिर भी ये वाला मिर्चा बहुत झाल है। तो देखिए दोनों जन को, बाप बेटा दोनों मिल करके यहाँ पे कर रहा है मस्ती, और बाप कर रहा है हाय, और दोनों एक एक मोबाइल में बिजी है। और अभी शाम का समय हो गया, हस्बैंड तो कुछ नाश्ता नहीं किए थे, वही समोसा और आलू चप खाए थे, और बोले कि जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन में ना खिचड़ी मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ना वेज खिचड़ी बनाएंगे, वेज मतलब लहसुन प्याज नहीं दे रहेगा इस अदरक वाला खिचड़ी खिचड़ी, और यहाँ पर ना मूंग दाल और थोड़ा सा मसूर दाल मिला है, और बहुत सारा सब्जी मिला हुआ है। तो चलिए अभी खिचड़ी उचड़ी पकाते हैं, और यहाँ पे आदि कर रहे दौड़ा दौड़ी, और उसको बोल रहे चलो बाबू खिला देते हैं, नहीं वो तो दौड़ रहा है देखिए यहाँ से वहाँ। और हम लोग ना यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, और थोड़ा सा खिचड़ी आदि खाया है, इधर खिचड़ी भी बन चुका है, और उस पर ना थोड़ा सा पानी भी पिलाना पड़ा, झाल भी था काफ़ी खिचड़ी, इसलिए आदि को ना पसंद भी नहीं पड़ रहा क्योंकि उतना झाल वो खाता नहीं है।
तो यहाँ पे ना हस्बैंड को भी खाना हो गया पापड़ और चोखा देकर के खिचड़ी, और हम लोग खाएंगे अंडा, अंडा फ्राई करके, और पापड़ हमने लेंगे, नहीं पापड़ सब कुछ ही लेंगे मगर पापड़ देखते हैं, मम्मी को पूछते हैं, मम्मी अगर पापड़ खाएगी तो ठीक है। हम लोग तो खाने बैठ गए, मम्मी को फ़ोन करें, मम्मी तब तक नहीं आई थी, और मम्मी बोली कि हम वहाँ पे पूरी सब्जी सब कुछ वहाँ पे भोग वगैरह दे रहा था तो वहाँ पे खा ली है, तो मम्मी का खिचड़ी बच गया, मम्मी खाएगी सुबह। अब फ्रिज में सब कुछ रख देंगे और चलेंगे अभी हम खाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं मेरा थाली में क्या क्या है, क्या हम पापड़ लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम खाने बैठे हैं टेबल में, और यहाँ देखो खिचड़ी, वाओ, विथ चोखा एंड अंडर फ्राई। तो चलिए इसी को देख के खा लेते हैं, और आज का ब्लॉग ना यही ख़त्म करते हैं, अभी जाएंगे, बहुत रात हो चुका है, और जाके सो जाएंगे, आदि को भी सुला देंगे।